चलते हैं आपको वायनाड, जहां राहुल गांधी अपना नामांकन भर रहे हैं। राहुल गांधी अब आ मौजूद प्रेस के सामने अपना वायनाड से फिर से चुने जाने के लिए अपना नामांकन भर रहे हैं। अभी राहुल गांधी वायनाड के थोड़ी देर पहले उन्होंने रोड शो किया और फिर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी वहां मौजूद हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही जो उनको नॉमिनीज हैं मनोनीत कर रहे हैं वही वो भी उनके साथ मौजूद हैं, जो उनके प्रपोजर्स हैं नॉमिनीज हैं वो भी वहां मौजूद हैं। साथ ही राहुल गांधी वहां उपस्थित मीडिया के सामने अपना नामांकन भरते हुए चुनाव आयोग के सामने, आज नामांकन भरने की तारीख है। केरल में चुनाव दूसरे चरण में होगा, 26 अप्रैल को केरल में चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अब वायनाड से चुने जाने के लिए राहुल गांधी अपना नामांकन भरते हुए वायनाड से ही बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष के सुरेंद्रन राहुल गांधी को चुनौती देंगे। वहीं लेफ्ट की तरफ से भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया गया है। इस वक्त राहुल गांधी की उम्मीदवारी वायनाड से इस बात के लिए भी सुर्खियों में है कि कांग्रेस का साथ एसडीपीआई के साथ ये दावा किया जा रहा है, जिस एसडीपीआई की पुरजोर मुखालफत इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कर्नाटक में की थी और कहा था, और एसडीपीआई के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की भी बात की थी और उनसे उनके लिए काफ़ी कुछ कहा गया था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी द्वारा। उसी एसडीपीआई जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, उसके साथ साझेदारी केरल में और वो भी वायनाड में, इस पर काफ़ी टिप्पणियां हो रही हैं और राजनीतिक विवाद हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि एसडीपीआई के साथ उनका सपोर्ट है, लेकिन वहीं यूडीएफ में का एक अभिन्न अंग आज तक रहने वाला आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो एसडीपीआई के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी करता रहा है। आईयूएमएल ने पीएफआई और उसके सारे अंगों को एसडीपीआई को भी मिला करके कहा है कि वो देश विरोधी तत्व हैं, वो समाज विरोधी तत्व हैं और ऐसे तत्वों का साथ उन्हें गवारा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी, जिन्होंने आईयूएमएल की तारीफ भी की है, जमकर तारीफ भी की है, वो क्या एसडीपीआई के साथ को नकारेंगे या एसडीपीआई के साथ को स्वीकारेंगे? वहीं सीपीआई के उम्मीदवार वहां मौजूद हैं वायनाड में। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और इसी वायनाड में अमेठी से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी जी भी अब वायनाड में प्रचार करने वाली हैं। के सुरेंद्रन जो केरला बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो वायनाड से राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी, काफ़ी अटकलें लगी थी कि वो शायद उत्तर प्रदेश लौटेंगे, अमेठी में फिर से लड़ेंगे, लेकिन अब तक सिर्फ उनकी उम्मीदवारी वायनाड से तय हुई है। वायनाड का वोट गणित कुछ इस तरह है कि नॉन हिंदू वोट करीब 51% हैं, मुस्लिम वोट ईसाई वोट मिलाकर कुल जमा 51% वोट होते हैं। 49% रिकॉर्ड्स के तहत वहां वायनाड में हिंदू वोट है। पिछली बार राहुल गांधी को वायनाड से जीत हासिल हुई थी, लेकिन क्या अब की बार वो फिर वायनाड से सफल होंगे? क्या वायनाड राहुल गांधी को बतौर एमपी चुनकर वापस संसद भेजेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। 2019 में इन्हें 64% से ज़्यादा वोट राहुल गांधी को मिले थे, पर क्या यही बात यहाँ फिर से दोहराई जाएगी? अगर 64% वोटर्स लिस्ट में से जितने वोटर्स हैं उसमें से 64% वोट मिला है, यानी कि राहुल गांधी को क्रॉस समुदाय वोट मिला है, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो। केरल के राजनीतिक पटल पर अगर देखें तो उत्तरी केरल में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा डोमिनेंट है, सेंट्रल केरला में यानी मध्य केरल में ईसाई समुदाय ज़्यादा डोमिनेंट है और दक्षिण केरला में हिंदू समुदाय ज़्यादा डोमिनेंट है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वायनाड से। अरुण, रोड शो पर कैसा असर था? क्या राहुल गांधी इस त्रिकोणीय फाइट में भी आगे रहेंगे? आज नामांकन भर रहे हैं अपना। देखिए आनंद, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है सिविल, उसमें वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव और रमेश चेनीथल्ला, ये सारे लोग अंदर गए हैं और नामांकन दूसरी बार वायनाड से वो दाखिल कर रहे हैं।
जो रोड शो उन्होंने किया उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता शामिल थे, अच्छा खासा रोड शो था। बस सवाल ये है कि एनी राजा को लेफ्ट फ्रंट ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है, दोनों दल इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं, और के अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ एक तरह से सीट समझौता अभी अंडरस्टैंडिंग भी उनसे हो रही है, लेकिन एनी राजा का यह तर्क था कि राहुल गांधी कहीं से भी जीत सकते हैं, वो केरल के अलावा कर्नाटक से जीत सकते हैं, तेलंगाना से जीत सकते हैं, तो उनको वहाँ से लड़ना चाहिए, यहाँ छोड़ देना चाहिए। जबकि कांग्रेस ये कह रही कि 2009 से जब से ये सीट बनी है वायनाड, कांग्रेस का ही यहाँ पर लीडर जीतता रहा है और राहुल गांधी सिटिंग एमपी हैं, तो वो क्यों सीट छोड़ेंगे। और 4,31,000 का मार्जिन था पिछली बार, लगभग 4,50,000 वोटों से वो जीते थे। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि मुकाबला भले आप दिलचस्प बता रहे हो, लेकिन जीतेंगे राहुल गांधी, कितने लाख का मार्जिन होगा, उनकी तरफ से 5,00,000 का मार्जिन है, क्योंकि 1,50,000 वोटर बढ़े भी हैं, तो उनकी उम्मीद है कि 5,00,000 के आसपास की मार्जिन होगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पिछला चुनाव बहुत ही नीरस था, राहुल गांधी एक तरफा लड़ाई लड़ रहे थे, इस बार एनी राजा लेफ्ट की चुकी इस इलाके में पकड़ है, वो एनी राजा भी ठीक लड़ रही हैं और सुरेंद्रन भी अच्छा खासा लड़ेंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि चूंकि ये पूरा जो इलाका है वायनाड का, अगर इसकी डेमोग्राफी देखें आप, वोटर्स देखें अगर आप, तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 50% के आसपास, तो मुस्लिम वोटर्स चूंकि राहुल गांधी के साथ है, मुस्लिम लीग साथ है, तो राहुल गांधी को जीतने में कोई दिक्कत होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन आनंद, ये चुनाव है, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो जाता है, एक मुद्दा पूरी बाजी पलट देता है, लेकिन राहुल गांधी कंफर्टेबली जीत जाएंगे, ये पूरी कांग्रेस आश्वस्त है। पर इस बार कहीं ना कहीं क्या पिछली बार से ज्यादा मुकाबला कड़ा होगा? स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंच रही है, केरला बीजेपी के सुरेंद्रन अब लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय फाइट है इस बार, और कहीं ना कहीं वायनाड से ये आवाज़ें भी निकल रही थी कि राहुल गांधी वहां भी गैर उपस्थित थे, गैर मौजूद थे पिछले 5 सालों में। देखिए, कांग्रेस तो कह रही है कि जब हाथियों ने हमला किया यहां के लोगों पर, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो नया यात्रा छोड़कर आए, उनसे मिले, वो सवाल पूछ रहे हैं बाकी लोग कहां थे, वो कह रहे हैं जब बाढ़ आई तो राहुल गांधी आए, कोविड में राहुल गांधी आए, ये कांग्रेस कह रही है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जैसे के सुरेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर कब जाएंगे, वहां का दर्शन कब करेंगे, यहां पर 5,00,000 जो लोग हैं है राम भक्त हैं, उनकी इच्छा है कि राहुल गांधी जाएं, तो राहुल गांधी क्या जाएंगे, इस तरह के सवाल। देखिए, बीजेपी अपनी पिच पर खेल रही है, कांग्रेस अपनी पिच पर खेल रही है, चूंकि यहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, सेफ सीट है, राहुल गांधी के लिए जीतना आसान होगा, लेकिन पिछली बार की तरह एक तरफा मुकाबला नहीं, थोड़ी दिलचस्पी जरूर जगा दी है। लेफ्ट फ्रंट की जो उम्मीदवार है एनी राजा ने, वो मैं कल उनसे मिला था जाकर के, उनका इंटरव्यू किया, गांव-गांव घूम रही हैं, छोटी छोटी रैलियां निकाल रही हैं, के सुरेंद्रन बहुत ही अच्छा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो पिछली बार की तरह नीरस मुकाबला नहीं है, मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जीत का मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भले हो, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबली राहुल गांधी जीतेंगे, उन लोगों का दावा है। लेकिन आनंद, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव तो चुनाव होते हैं। जी, चुनाव तो चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ कौन कौन आया है, और आज सुबह की रोड शो में क्या ग्राउंड पर सेंटिमेंट आपको लगा, क्या लेफ्ट के मुखर जाने से और लेफ्ट के उम्मीदवार को खड़ा करने से क्या राहुल गांधी के लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी? SDPI का साथ लेना ये भी कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहा है, क्योंकि IUML कभी इसकी तरफदारी नहीं करेगा। IUML और SDPI एक दूसरे को एक बैल आँख नहीं सुहाते हैं। देखिए, जरूर आपकी जो बात कह रहे हैं उस पर अमित शाह ने भी हमला बोला था, ये मुद्दा यहाँ पर है, बीजेपी ये मुद्दा उठा भी रही है, लेकिन अगर आज की बात करूं मैं आपको, 2019 में जब नामांकन राहुल गांधी करने आए गए तब भी मैं यहां पर था, और आज की भी बात करूं तो 2019 में ज्यादा लोगों में एंथुसियाज्म था, चूंकि राहुल गांधी पहली बार यहां आ रहे थे, राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बहुत ज्यादा लोग, मुझे याद है चारों तरफ सड़कें जो है पट गई थी। इस बार चूंकि वो कई बार आ चुके हैं, लोग उनसे मिल चुके हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करते रहे हैं, लोगों से दिल्ली में भी मिलते रहे हैं, तो वो लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे, सड़कों पर थे, रोड शो हो रहा था, लेकिन पिछली बार के मुकाबले जो भीड़ थी वो थोड़ी सी कम जरूर थी। यहाँ पर उतनी भीड़ पहली बार जो लोगों का चार्म होता है राहुल गांधी को देखने के लिए, वो थोड़ा चूंकि उनसे लगातार वो मिलते रहते हैं, अब दिल्ली भी बुलाते हैं उनको, तो वो उस तरह का नहीं दिखा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो वोटर हैं बहुत ही कमिटेड वोटर होते हैं यहाँ पर, यहाँ ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इधर जो स्विंग हो जाए, तो जो कमिटेड वोटर हैं उन पर कांग्रेस पार्टी भरोसा कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक बड़ा रोड शो किया, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रोड शो, दोनों तरफ लोग थे, सड़कों पर लोग थे, अपने छतों पर लोग थे, दुकानों से बाहर निकल के लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, 2-3 जगह वो उतरे भी हैं। कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहूंगा कि राहुल गांधी यहां से कांग्रेस से मान रही है और कांग्रेस से दावा कर रही है कि 5,00,000 वोटों से जीतेंगे, 1,50,000 वोटर बढ़े भी हैं, पिछली बार 4,31,000 का उनका मार्जिन था। आनंद, पिछली बार 4,31,000 का मार्जिन था, आपकी बार कह रहे हैं कि करीब 70,000 वोट और जुड़ जाएंगे, 1,50,000 वोटर बढ़े हैं वायनाड में, लेकिन IUML की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? अगर IUML का वोट खिसक जाता है और IUML UDF छोड़कर LDF चला जाता है तो क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी?
देखिए आनंद, जहां तक मुस्लिम लीग का सवाल है, IUML का सवाल है, यहां पर वो पूरी तरह से उनके कार्यकर्ता भी दिख रहे थे, उनके नेता भी दिख रहे थे, और वो वोटर जो हैं, मुस्लिम वोटर जो हैं, वो लेफ्ट फ्रंट के साथ जाने की बजाय जो मुस्लिम लीग कह रही, वो कह रही कि वो उनके परंपरागत वोटर, उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट किया तो उनके साथ ही रहेंगे। अब एनी राजा उनके बीच कितना पहुंच पाती हैं, कितना सेंध लगा पाती हैं, क्या समीकरण बैठा पाती हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी के मुकाबले एनी राजा का जो चेहरा, हालांकि काडर देखिए, लेफ्ट का काडर जो होता है चुपचाप काम करता है, लेफ्ट का काडर कमिटेड होता है और बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए कमिटेड होता है वो, लेकिन एनी राजा को उम्मीदवार बनाया गया है, बहुत उसमें भी लेट हुआ है, बहुत पहले उनकी उम्मीदवारी नहीं घोषित हुई। राहुल गांधी 5 साल यहाँ काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के मुकाबले उनका यहाँ पर तंत्र, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कितनी टक्कर देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। ग्राउंड पर राहुल गांधी का आपने कितना सपोर्ट देखा, क्या पिछली बार से ज़्यादा मजबूती से आएंगे, और राहुल गांधी का वायनाड से जीतना कांग्रेस के लिए कितना अहम है। अरुण, कहा जाता है कि पिछली बार 2019 में एक वेव था और जो एक लहर थी जिसकी वजह से कांग्रेस के इतने सारे उम्मीदवार वहां से जीत कर आए, लेकिन अब की बार वहां पकड़ LDF की है और पिनराय विजयन बिल्कुल भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है अब की बार। तो भले ही लेफ्ट और कांग्रेस इंडी गठबंधन में हो, केरल में LDF बिल्कुल भी जगह देने को तैयार नहीं है। देखिए आनंद, पिछली बार का जहां तक सवाल है, पिछली बार कई सारे लोगों से, इलेक्शन वाला माहौल एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं आधे घंटे का, उसके लिए कई लोगों से मैं मिला, बहुत लोगों से बात किया, कई लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पिछली बार 2019 में इस तरह की बातें थी तो और जोर शोर से लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के यहाँ से जिताया था कि अगर वायनाड से वो जीतते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, 2019 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय हवा ऐसी थी तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह था। इस बार क्या है, देखिए साउथ का रुख किया है राहुल गांधी ने, आप अगर देखिए तो वो अमेठी पर अभी कमिटेड नहीं है, अमेठी को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वायनाड को लेकर के कतई उनके मन में आशंका कुछ नहीं थी। लगभग 100 सीटें जो इसके आसपास की हैं, आप देखिए कर्नाटक की बात करिए, आप केरल की बात करिए, आप तमिलनाडु की बात करिए, 90 के आसपास सीटें हैं यहाँ पर, उन पर वो फोकस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में अगर अच्छी खासी वो बढ़त हासिल कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है उसको नीचे कर पाएंगे। बाकी कई राज्यों में जैसे तेलंगाना राज्य है, वहाँ से बहुत उनको उम्मीद है, दिल्ली से उन लोगों को उम्मीद है, बिहार से उन लोगों को उम्मीद है, तो कई राज्य ऐसे हैं उनको ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ खाता नहीं खुला था पार्टी का, कई ऐसे थे स्टेट थे, गुजरात हो गया, राजस्थान की बात करिए, या कहीं एक आध सीट जीत पाए थे, उन जगहों पर अगर 3-3, 4-4 वो जीत लेते हैं तो बीजेपी की टैली कम कर पाएंगे। साउथ इंडिया पर इसीलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और अगर आप देखिए प्रधानमंत्री भी लगातार साउथ इंडिया के दौरे कर रहे हैं, बीजेपी भी ये बात जानती है, कांग्रेस भी ये जानती है बात, और दोनों अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया पर फोकस इस बार है, क्योंकि असली लड़ाई वहां है। बीजेपी के लिए नॉर्थ इंडिया में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कांग्रेस वहां बहुत ज्यादा कोई लड़ते हुए दिख नहीं रही है, तो साउथ इंडिया पर कांग्रेस की निगाहें, और उसी निगाह को और उसी मजबूती को और ज्यादा कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री भी लगातार साउथ इंडिया के दौरे कर रहे हैं आनंद। लेकिन यहां फाइट केरल में बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है अरुण, वहाँ पर LDF UDF है, और LDF UDF सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस नहीं है, वहाँ पर कई सारी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जो 2%, 3%, 4%, 7% ऐसे वोट कंसोलिडेट करती है। बीजेपी एक त्रिकोणीय फाइट लेकर आ सकती है, क्योंकि वहाँ कर अगर लोकल बॉडी पोल्स में अगर आप देखें तो कुछ कुछ जगहों पर बीजेपी ने 20% से ज़्यादा का वोट भी रजिस्टर किया है। ओवरऑल कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट शेयर करीब 6-7% पिछले 3-4 सालों में केरल में ही बढ़ चुका है। अगर ये फाइट त्रिकोणीय होती है तो क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हैं अब की बार, पिछली बार से क्या कांग्रेस के उतने ही उम्मीदवार केरल से आएंगे, क्योंकि पंजाब और केरल से ही सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा आए थे। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन पिछली बार भी देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लेफ्ट का जो फ्रंट है वो उनके खिलाफ, पिछली बार भी राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था, इस बार भी लड़ रहे हैं वो। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों केरल में, पूरे देश में भले इकट्ठा हो, पश्चिम बंगाल में भले फ्रेंडली फाइट कर रहे हो या सिर्फ समझौता कर रहे हो, लेकिन केरल में शुरू से ही दो धड़े रहे हैं, एक UDF LDF। हाँ, बीजेपी ने अपना जनाधार बढ़ाया है, पिछली बार अगर देखिए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कैंपेनिंग की, अमित शाह ने यहाँ पर कैंपेनिंग की, प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देते हैं, बावजूद उसके लेफ्ट फ्रंट और जो UDF है दोनों के बीच मुख्य मुकाबला होता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी ताकत बन के उभरी है, वोट शेयर अपना बढ़ा रही है,
और इस बार क्या चुनौती देती है, यही तो चुनाव है। देखने वाली बात होगी कि वोट शेयर कितना बढ़ाते हैं, कहां वो मुकाबला त्रिकोणी कर लेते हैं और कहां वो जीत सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर लोगों ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मजबूत आधार बनाया है और यहां पर वो मुकाबले में है कई जगहों पर। तो कई बार मुकाबले की सीटें जीत भी जाती है वो पार्टी जो तीसरी आती है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी, यूडीएफ एलडीएफ के बीच क्या बंटवारा होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। केरल का चुनाव वैसे भी आनंद हमारे आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये एकदम अलग चुनाव होता है। तो देखते हैं हम भी आप भी। लेकिन वायनाड का जहां तक सवाल है, पिछली बार भी लेफ्ट लड़ा था, कांग्रेस कह रही है कि हम इत्मीनान में हैं, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छी खासी मार्जिन से जीतेंगे, कहीं कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं, कहीं कोई खतरा नहीं। तो अब की बार क्या कांग्रेस केरल की 20 सीटों में कितनी जीतेगा? पिछली बार जहां तक मेरा ध्यान है 13 या 14 सीटें कांग्रेस ने खींच ली थी, लेकिन उसके बाद एलडीएफ जिस तरह से पावर में आई है, अब की बार पिनराई विजयन क्या जगह देंगे? ये प्रश्न यहां मैं इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि वायनाड के साथ साथ केरल की कई और सीटें कांग्रेस के लिए अभी अब की बार खतरा बनी हुई हैं, और अगर केरला का लॉबी वहां पतला वीक पड़ जाता है तो फिर कांग्रेस की साख संसद में कौन जमाएगा? क्योंकि पंजाब में भी कांग्रेस अब त्रिकोणीय फाइट झेल रहा है, आप है, बीजेपी है, वहां तो चौकोणीय है क्योंकि एसएडी भी अब वापस वहां पर हरकत में आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी। देखिए आनंद, पिछली बार तो लगभग स्वीप ही था, 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 3 उसकी सहयोगी मुस्लिम लीग ने जीती थी और 1 सीट और, कुल मिलाकर के लेफ्ट फ्रंट पिछली बार दिखा नहीं था कहीं।